देख सकते हैं हमारे यहाँ तो जो लंगूर होते हैं वो तुरंत काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काटने के नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जो है खाने की चीज़ें अगर आपके हाथ में होंगे तो आपके पास ये बैठ कर खाना जरूर चाहते हैं। देखिए ये तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी राजस्थान के जोधपुर के मंडौर में। मारवाड़ राज्य की जो है राजधानी हुआ करती थी पहले, जिसे बाद में जो है जोधपुर बनाया गया। आज इस जगह पर उस किले के पास में हूँ। सामने की तरफ किला पड़ता है, इस तरफ में माता जी का मंदिर है जो यहाँ की पुरानी मंदिर है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर बने हुए एक सुंदर से गार्डन को दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ का मंडौर उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे बना हुआ एक डैम, जो डैम के पानी से जो है पूरे उद्यान में सप्लाई होता है पानी का, और उसी पानी के बीच में जो है म्यूजिक फाउंटेन शो भी होता है, लाइट शो होता है, साथ साथ पूरे पार्क की सिंचाई भी होती है। तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ जोधपुर के इस मंडौर के उद्यान को। मेरे पीछे वो डैम बना हुआ है जहाँ पर मैं आप सभी को लेकर के चलना हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, जिससे और भी लोग हमारी वीडियो देख पाएँ, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को देखने को मिलता रहे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी लोग देख पाए। तो आइए लेकर के चलता हूँ इसे। तो दोस्तों अभी इस वाले पुल पर पहुँचा हूँ, इस तरफ में जो है यहाँ का उद्यान पड़ता है पूरा। अभी देखिए यहाँ पर जो है पूरा कूड़ा करकट वगैरह साफ़ सफाई ना होने की वजह से, और डैम सूखा भी है क्योंकि बारिश ख़त्म होती है। यहाँ पर बारिश के ही पानी का एकमात्र साधन है, कोई यहाँ से नदी नहीं निकलती है जिससे यहाँ पर पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है। पीछे की तरफ राव हेमा नामक डैम बना हुआ है यहाँ पीछे इसके जस्ट, जहाँ से इसमें पानी छोड़ा जाता है, फिर ये पानी धीरे धीरे जो है आगे उद्यान जो बना हुआ है पूरे इसी के पानी से, वो पूरा पानी उसमें रहता है। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है, काफ़ी प्राचीन जगह है ये। इस तरफ में देख सकते हैं माली बाई बायसा जी का मंदिर है, मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ में जो है, इधर जाने का रास्ता है नीचे की तरफ उद्यान में। काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए पर्यटक भी अभी कम आते हैं, और यहाँ पर ये घाट जो है काफ़ी गंदा सा दिख रहा है, जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती होगी। इस तरफ में गेट है, यहाँ से नीचे उतरेंगे फिर हम उद्यान के अंदर हो जाएंगे इस तरफ में चल करके। तो अभी इस वाले रास्ते से चलते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारी लाइटें लगाई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये पूरा लाइटें हैं यहाँ पर बिछाई गई हैं, पूरा खूबसूरत सा लगने के लिए। और नाइट शो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर होता है, इसके बीच में जो ये नहर जैसा बनाया गया है, फाउंटेन लगा हुआ है जो अभी भी चल रहा है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो चीज़ें। पूरा पार्क जो है, यहाँ पर हरियाली थोड़ी सी कम है क्योंकि सूखी पहाड़ी है। और ये देखिए इस तरीके से पूरा फाउंटेन जो है किनारे किनारे और आगे चल करके ये बीच में हो जाता है, इसके दोनों पार्ट में पार्क बना हुआ है। ये ऊपर ऊंची सी पहाड़ी है, इसके ऊपर कुछ बना होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए भी, और ये पूरा एरिया देखिए पूरा फाउंटेन है यहाँ से वहाँ तक, और आगे इस तरफ में पूरा पार्क का हिस्सा है। अभी ले चलता हूँ मैं आप सभी को अंदर की तरफ दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लेजर लाइट और साउंड शो होता है, जिसका टिकट देखिए इस तरफ में 10 PM टू 7 PM पर 7:30 बजे तक 10 रुपये है, और इधर भी पता नहीं क्या 20 रुपये 30 रुपये लिखा गया है। लेजर शो इस जगह पर किया जाता है, होता है। और ये देखिए पूरा गार्डन का एरिया है। इस तरफ में देखिए यहाँ पर ये झाड़ियों वाले फूल लगाए गए हैं, जिनको पानी की कम आवश्यकता होगी, जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी वो फूल यहाँ पर हो नहीं पाएंगे। और ये देखिए पूरा इस वाले एरिया में देखिए यहाँ पर पानी एकत्रित है, तो इसमें जो है मछलियाँ आप सभी को छोटी बड़ी देखने को मिलेगी, जो इस कैमरे में आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पानी के अंदर ढेर सारी मछलियाँ दिख रही हैं। और इस तरीके से पूरा फाउंटेन यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं खूबसूरत सा एरिया है पूरा, बढ़िया सा नज़ारा आ रहा है। यहाँ के राजाओं को याद में बनवाया गया स्मारक है, और ये देख सकते हैं ये पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी कलाकृतियाँ आप सभी को इस जगह पर देखने को मिलेंगी। कई सारी इस तरीके से मंदिर नुमा छतरियाँ यानी बनवाई गई हैं, जो इन राजाओं के स्मारक हैं, और आप सभी को ये 2-3 फ्लोर के हैं ऊपर। फाइनली दोस्तों इस पार्क में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा रोचक है, क्योंकि आपको जितने इंसान बैठे मिलेंगे उससे बड़े जो है आप सभी को लंगूर बैठे मिलेंगे यहाँ की बेंचों पर। देखिए लंगूर लोगों से जो है छीन करके हाथ से यहाँ पर खाना खाते हैं, बेंचों पर आप लोग देखेंगे लंगूर बैठे मिलेंगे, और ये छोटे वाले नहीं बड़े वाले लंगूर हैं। इधर देखिए इस तरह में जहाँ लोग बैठे रहते हैं उनके बगल में ही लंगूर आप सभी को बैठे मिलेंगे, देखो वहाँ पर बैठा है।
इस तरह मैं लोगों के हाथ से जो है छीन करके लंगूर जो है पूरा खाना खा रहे हैं। देखो यहाँ पर लोग बैठे हैं और इन्हीं के पीछे जो है ये लंगूर बैठा है बेंच पर, ये देखो आ रहा है। तो देखिए ये वाला लंगूर यहाँ पर, और यहाँ पर सारे के सारे बड़े लंगूर हैं, छोटे लंगूर आप सभी को नहीं देखने मिलेंगे। बंदर पूरा झुंड है इन लोगों का, देखिए पूरा ये काले वाले और बड़े लंगूर हैं, ये पूरा देखो रेलिंग पर बैठे हुए हैं पूरा झुंड। और इस पार्क में ना बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपको छोटे लंगूर एक भी नहीं देखने को मिलेंगे, ये सब बड़े वाले हैं यहाँ पर बैठे हुए। जो छोटे बंदर होते हैं वो यहाँ पर एक भी बंदर आप सभी को नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए ये पूरा जो है इस तरह का पूरा भाई पार्क में कब्जा है, कहीं भी आप बैठें कुछ भी खाने के लेकर के ये तुरंत आपके बगल में आकर के बैठें खाने के लिए। बाकी ये एरिया देखिए काफ़ी खूबसूरत सा है गार्डन का, यहाँ से पूरा ये नज़र आता है। असर देखिए ये काफ़ी सुंदर सा जो है गार्डन बनाया गया है, इसे चार बाग जो है नाम दिया गया इस तरफ को, काफ़ी खूबसूरत सा जगह है ये। इस तरफ में यहाँ का कैफे एरिया बना है, अभी तो बंद है फिलहाल। और यहाँ से देखिए एग्जिट होता है बाहर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें अंदर की थी जो हमने आप सभी को दिखाया है, ये पार्क का एरिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। यहाँ से देखिए आप सभी लोग ट्रेन पर बैठ सकते हैं, जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे तुरंत आपको ट्रेन जो है मिल जाती है, ट्रेन पर बैठ कर जा सकते हैं। और बाकी इस तरफ में ये खजूर के पेड़ हैं जो लगे हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा जगह। और ये पूरा पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है, इसके किनारे किनारे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं ऊँची ऊँची। तो दोस्तों ये जगह आप सभी को कैसे लगी, काफ़ी खूबसूरत सा स्थान है मंडौर का, एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही, इसके साथ साथ धीरे धीरे इसको डेवलप कर दिया जा रहा है, तो इसमें उद्यान सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, इस जगह के बारे में जान पाएँ। साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।